हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, बड़ा ही एक जो टॉपिक आ रहा था काफ़ी टाइम से, एक टॉपिक मेरे पास आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि भैया मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ लेकिन मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या करूँ। तो मुझे लगा कि यार ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी रिसेंटली तो दो तीन लोगों का आया, तो मुझे लगा यार इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दी जाए जिसके अंदर पूरा डिटेल में हम लोग बात करें कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो जो लोग आर्टिकलशिप करने का सोच रहे हैं या फिर जो आर्टिकलशिप में हैं, जो लोग ट्रांसफ़र लेने का सोच रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मैंने भी आर्टिकल आर्टिकलशिप के अंदर ट्रांसफर लिया था जब मैं फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप में था, और मैंने 11 महीने 17 दिन मतलब थे जब मैंने ट्रांसफर ले लिया था, मतलब 13 दिन पहले, ठीक है। जब क्योंकि एक साल के अंदर ना हमारा राइट होता है, समझना आप इस चीज को, एक साल में हमारा राइट होता है कि भैया मैं जब चाहे तब अपना ट्रांसफर ले सकता हूँ, एक साल के अंदर अंदर मेरा राइट है, ठीक है। कोई मेरे को परमिशन नहीं चाहिए कहीं से, कोई भी मेरा कुछ कुछ नहीं करना, कोई रीजंस नहीं होने चाहिए, कुछ भी। मेरा मन है यार, मेरा मन है मेरे को ट्रांसफर लेना है, ठीक है, मैं लेना चाहता हूँ बस, ठीक है। वो हो सकता है आपका प्रिंसिपल आपसे रीजन पूछ ले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज कि आपको रीजन देने का कहीं पे भी ऑब्लिगेशन नहीं है। आपकी मर्जी यार, मेरी मर्जी है, मैं ट्रांसफर लेना चाहता हूँ, मैंने ले लिया ट्रांसफर, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब क्या है, जब एक साल के अंदर तो मेरे पास राइट है, ठीक है, तो सेम मैंने क्या करा, 11 महीने 17 दिन पहले ले लिया। लेकिन उससे पहले पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको राइट्स बताऊंगा कि क्या क्या आपके पास राइट्स हैं, ताकि आप भी ट्रांसफर ले सको या कोशिश कर सको एटलीस्ट, ठीक है। मतलब वेज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, किस तरीके से आपके चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे करा। तो सबसे पहले जब मेरे 9 महीने 10 महीने हो गए थे अराउंड, तो उस समय में मैंने बात स्टार्ट करी कि मेरे को ट्रांसफर लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, अगेन जैसे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बात भी कर चुका हूँ, अल्टीमेटली यार आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो सेम मैंने क्या करा, जब मैं एक साल के अंदर ट्रांसफर में था, 9 या 10 महीने हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा था मेरी फर्म के अंदर मैं ऑलमोस्ट जितने क्लाइंट्स से वो सारे के सारे क्लाइंटों के अंदर हाथ पैर मार चुका था, ठीक है, और सारे सभी एरियाज के अंदर काम कर चुका था, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्ट चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड था, चाहे वो जीएसटी तो वैट था उस समय में, तो वैट से रिलेटेड था, या सर्विस टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये मैं बात करूँ 2014 और 2015 की, तो कोई भी काम था, बैंक ऑडिट का काम, स्टेट ऑडिट का काम, इंटरनल ऑडिट का काम, मेजरली सारे क्लाइंट्स में हैंडल कर चुका था उस 10 महीने के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारा काम मैंने करा था उस 10 महीने के अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल कर चुका था उस 10 महीने के अंदर। तो मुझे लगा यार मैं नेक्स्ट ईयर क्या करूँगा, दूसरे और तीसरे साल के अंदर क्या करना है मेरे को। तो मुझे लगा कि यार इससे बेटर तो ये है ना कि मैं ट्रांसफर ले लूँ और मैं एक अच्छी, जो मेरे को ऑडिट के अंदर जाना था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था शुरुआत से ही ऑडिट के अंदर। इनिशियली जो लोग मेरी जो मेरे को जानते हैं, इनिशियली मेरी ना ही कम्युनिकेशन अच्छी थी, ना ही मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था बोलने वाला, मतलब सब कुछ लैकिंग था। तो मैं फर्स्ट जब मैंने आर्टिकल से जो स्टार्ट करी थी, तो ऑब्वियसली उस समय पे नहीं हो पाया था मेरा किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट जब मैंने आर्टिकलशिप कर ली थी एक साल की, मतलब 10 महीने की 11 महीने की, तो उस समय पे मेरे पास वो एक कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब ठीक है अब मेरी बोलने चालने की शक्ति आ गई थी मेरे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो गई थी मेरी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार ट्रांसफर लिया है, तो मैंने 9 या 10 महीने जब हुए थे तब उस समय में मैंने अपने प्रिंसिपल को बोला कि सर मेरे को ट्रांसफर चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्यों चाहिए भाई, क्या दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा सर दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही, बट मैं अपनी जो ऑडिट प्रोफाइल के अंदर मेरा इंटरेस्ट था तो मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई फिर यहाँ पे हमारे पास क्यों ज्वाइन करा था, तो मैंने कहा कि सर उस समय पर मतलब जो भी था रीज़न, ठीक है, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा जो भी था। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि यार अभी तो, और ऑब्वियसली आप समझो आपको किसी ने 10 महीने सिखाया, 9 महीने 10 महीने काम सिखाया, उसके बाद आप तो उसके पेट पे लात मारोगे तो आपको क्या बोलेगा कि ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लो ट्रांसफर पे फॉर्म पे साइन करो, कोई नहीं जाओ मस्त मजे जा करो अपने जहाँ जाना है आपको, मतलब यहाँ से आप सीख के जा रहे हो, वहाँ पर दूसरी जगह पर जाके आप उसको फल दे रहे हो, ठीक है, दूसरे बंदे को, दूसरे प्रिंसिपल को फल दे रहे हो। तो ऑब्वियसली कोई भी जो प्रिंसिपल होगा वो गुस्सा हो जाएगा या फिर थोड़ा सा मतलब मनाने की कोशिश करेगा आपको, तो सेम उनने भी यही करा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो 2 महीने और रुक जाओ, ठीक है, 11 महीने जब तुम्हारे हो जाएंगे तो उस समय पे हमारा, उस समय पे तुम ट्रांसफर ले लेना। उसका रीज़न उन्होंने बताया क्योंकि उस समय पे इनकम टैक्स की डेडलाइन थी, तो मतलब रिटर्न्स की डेडलाइन थी, तो ये मैं बात कर रहा हूँ तुम मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ सितंबर की, ठीक है, तो सितंबर के अराउंड की डेडलाइन थी। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं रुक जाता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न वटर्न हम लोगों ने फाइल करी, उसके बाद फिर अगेन अक्टूबर के अंदर मैंने, और जैसे ही सितंबर खत्म हुआ तो मैंने अक्टूबर के अंदर बोल दिया कि सर मेरे को ट्रांसफर चाहिए अब। तो फिर वो बोलते कि यार तुम्हें याद था, मैंने कहा जी सर बिल्कुल याद था, ट्रांसफर तो लेना ही था, कह रहे यार मेरे को लगा कि अब तो ठीक हो जाएगा सब, मैंने कहा नहीं सर ट्रांसफर तो लेना ही है। तो फिर वो मैं अड़ा रहा अपनी मतलब चीज़ के ऊपर, तो मैंने ट्रांसफर ले लिया अल्टीमेटली, ठीक है। तो कई लोग क्या होते हैं कि डर जाते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ बोल दिया है तो मतलब ठीक है, अगर कई लोग अगर अगर मैं भी डर जाता या फिर मैं सोचता कि यार लेना है नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने भी ट्राई तो करा था अपनी तरफ से रजिस्ट करने का, और हर कोई ट्राई करेगा यार, इसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है, हर कोई आपको मनाने की कोशिश करेगा ना, मतलब अगर आप समझो कि आपने किसी को 10 महीने आपसे आपने सीखा किसी के पास काम,
उसके बाद आप बोलो कि यार मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, तो हर कोई मनाने की कोशिश करेगा। सेम वो रीज़न था, तो मैं उनके पार्ट पे बिल्कुल सही है। यहाँ पर द पॉइंट इज, मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को सोचा कि यार मेरे को लेना है तो लेना है भाई, लेना है तो लेना है, कुछ भी हो जाए ट्रांसफर लेना है तो लेना है, मेरे को अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में सोचना है। ठीक है, मेरे जो सीनियर्स थे मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरे को अच्छी तरीके से गाइड करा जब मैं आर्टिकलशिप के अंदर था। उन्होंने बोला कि भाई देख तू तो इतना काम तो कर चुका है, उन्होंने सिंपल सी चीज़ बोली, देख भाई ये चीज़ें तो तू कर चुका है, अब तेरे को अगर अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ देखनी है तो तू बड़ी फर्म में जा। ठीक है, तो सेम अगेन इसलिए मैं टॉप 10 CA फर्म में गया था, तो ये चीज़ मेरी रही थी। ठीक है, उस समय पर जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मेरा तो ये था यहाँ पर सिनेरियो। अब मैं आप लोगों के बारे में बात करूँ तो आप लोगों के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि प्रिंसिपल ही बेकार है यार, मतलब खड़ूस टाइप का है, बड़ा मतलब दिक्कत करता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल ख़राब है, काम सीखने को नहीं है, चाय पानी बनवा देता है आपसे। ठीक है, बैंक का काम करवाता है, जा भाई हमारे बैंक, मेरे बैंक का काम कर दे, मेरे पर्सनल अकाउंट्स देख ले। ठीक है, अकाउंटिंग करवा रहा है सिर्फ। ठीक है, CA के नाम पे सिर्फ आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, एन नंबर ऑफ रीजंस कैन बी देयर। बट द पॉइंट इज, आपको सबसे पहले तो मान लो जिन लोगों ने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है, आप लोगों को ध्यान से समझना है कि भैया अगर आप लोगों को आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो और आपको एक दो महीने में चीज़ें पता चल जाती है, यार मैं तो कह रहा हूँ एक दिन में पता चल जाती है चीज़ें कि किस तरीके से कैसा इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक महीने दो महीने लगाओ, उसके बाद ही आपको पता चल गया ना कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। अपने सीनियर से डिस्कस करो, कलीग से डिस्कस करो, जिससे डिस्कस करना है उससे डिस्कस करो, एक दो महीने के अंदर पता लगाओ, ट्रांसफर ले लो, सिंपल सा। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, कई लोग 7-8 महीने फालतू में सोचते हैं, 7-8 महीने बाद जागते हैं कि यार ऐसा करना था वैसा करना था। मैंने बताया कि 10 महीने बाद 9 महीने बाद मैं क्यों जागा, क्योंकि मेरा तो अलग रीज़न था, मेरे को लगा कि भाई प्रोफेशनल ग्रोथ, यहाँ पे तो जितना काम सीखना था सब सीख लिया, अब मेरे को अपने ग्रोथ के बारे में सोचना है। आपके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, आपको लगता है कि अगर आपका प्रिंसिपल ख़राब है या कुछ भी दिक्कत है, काम नहीं है वहाँ पर, इस तरीके का काम है वैसा काम है, तो एक दो महीने के अंदर अंदर ही आपको ट्रांसफर ले लेना है। ठीक है, अभी कैसे लेना है क्या लेना है वो अभी हम बात में बात करेंगे, लेकिन आपको टाइम लाइन मैंने बता दी है, 1 से 2 महीने के अंदर आपको ट्रांसफर के लिए बात कर लेनी है और ट्रांसफर ले लेना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और याद रखना, मैंने एक अपनी पूरी वीडियो के अंदर बता रखा है कि मैं कैसे ट्रैप होते होते बचा था एक CA फर्म के अंदर, जब मैं इनिशियली आर्टिकलशिप के लिए जा रहा था, तो उन्होंने मेरे से 3 साल का बॉन्ड साइन करवा लिया था। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी डाल दूंगा, अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, उसका ना काफ़ी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से मेरा ट्रैप होते होते बचा था। तो वो चीज़ याद रखना, किसी भी तरीके का कोई अदर देन जो आर्टिकलशिप का फॉर्म होता है, कोई भी उसके अलावा कोई भी फॉर्म साइन नहीं करना है आपको। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप के अंदर सबसे पहले तो आपको पता चल गया यार प्रिंसिपल बेकार है, पानी वानी मंगवाता है, चाय कॉफ़ी बनवाता है, या फिर कुछ भी रीज़न है। ठीक है, अकाउंटिंग का काम है, बेकार काम है, तो आप क्या करो, फर्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर ही ट्रांसफर ले लो, बात करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, बाद में चीज़ें पता चलती हैं, जैसे मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ थी, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रोफेशनल ग्रोथ का रीज़न है या कोई भी रीज़न है, तो फिर उस समय पे क्या कर सकते हो, यस आपको किस तरीके से कैसे डील करना है वही मैं आपको बताऊंगा, वो तो आप बाद में भी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज, जिन लोगों को पहले इनिशियली लेवल पर पता चीज़ें चल सकती हैं वो तो ट्रांसफर ले सकते हैं ना। नाउ द पॉइंट इज, आपको मैं पहले बताऊं कुछ चीज़ें कि आप आर्टिकलशिप फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका राइट है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म्स आप चेंज कर सकते हो। मेरी मर्जी, मैं 10 दिन बाद हर 10 दिन बाद बदल रहा हूँ, 365 दिन के अंदर मैंने 36 फॉर्म बदल दी। ठीक है, हर 10 दिन बाद बदलता था, मेरी मर्जी, मेरी राइट्स हैं। ठीक है, पहले 1 साल के अंदर करना नहीं है भाई, ऐसा कहीं करने लग जाओ, बट द पॉइंट इज मेरा राइट है। ठीक है, ऐसा करना। नाउ अब बात करूँ कि मेरा राइट है, उसको राइट को अवेल कैसे करना है। सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको, अब जैसे मान लो आप, सबसे पहले तो आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि कई लोग होंगे जो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले भी देख रहे हो सकता है कि आप लोगों को फंसे हुए हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको ना मतलब एक वो बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में चलना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ट्राई कर लिया कि सर मेरे को ट्रांसफर दो, तो आपको क्या करना है, अब देखो उसने मना कर दिया। ठीक है, अब उसने मना कर दिया, अब आगे की चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। उसने मना कर दिया तो सबसे पहले क्या करो, देखो यार डरना नहीं है, सबसे पहले तो डरना नहीं है, अगर आप डरे तो मरे। ठीक है, तो वही चीज़ है, डरे तो मरे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डरना नहीं है, हो सकता है वो आपको डराएगा क्योंकि वो आपसे सीनियर है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, आप बच्चे हो, 18-19 साल के, 20 साल के, 21 साल के बच्चे हो, आप फटाक से डर जाओगे। मैंने काफ़ी इंसिडेंट देखे हुए हैं, काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप डर जाओगे कि यार उसने तेज से बोल दिया ना चिल्लाकर, तो आप डर जाओगे कि यार मारेगा मेरे को। ठीक है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, भाई आपका राइट है, समझो पहली बात, तो इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट कर ही नहीं सकता कि आपको लेकर, जहाँ तक एज फार एज आई नो, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि इंस्टीट्यूट में आर्टिकल्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट होगी कि भाई ट्रांसफर मांग रहा है। भाई वो और उल्टा फंसेगा कि भाई इंस्टीट्यूट बोलेगा कि तू ट्रांसफर क्यों नहीं देता, जब वो उसका राइट है, क्यों नहीं देता उसको ट्रांसफर।
तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपका राइट है ये जो एक साल के अंदर ट्रांसफर लेना है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो आपको डराएगा। डराएगा किस तरीके से, यार क्यों जा रहे छोड़कर, मतलब इस तरीके से चिल्लाएगा क्यों जा रहे छोड़कर, ठीक है मैंने तुम्हें क्या नहीं सिखाया, ये नहीं करा वो नहीं करा, तुम ऐसी बात कर रहे हो यार, है ना, मैं तो तुम्हें अपने बच्चे की तरह समझता था, थोड़ा सा इमोशनल भी करेगा, मैं तो तुम्हें अपने बच्चे की तरह समझता था, ठीक है मैं सोच रहा था तुम्हें यहाँ तक ले जाऊँगा, पार्टनर बनाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, पता नहीं क्या कर दूंगा, ठीक है अपनी बेटी के साथ शादी करा। तो द पॉइंट इज कि वो इमोशनल भी करेगा आपको, डराएगा भी सही थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा डराएगा, थोड़ा सा इमोशनल करेगा और रोकने की कोशिश करेगा आपको, बट आपको अपने जो आपने जो सोचा है, जो माइंडसेट बनाया है उसके ऊपर डटे रहना है। आपको चाहिए नहीं सर कोई नहीं, आप ठीक है बच्चे की तरह रखिएगा मेरे को, बाद में भी बच्चे की तरह ही रहेंगे हम, और बट मुझे ट्रांसफ़र दे दो अभी के लिए, ठीक है। तो आपको अपने निश जो आपने बनाया है, आपने क्या डिसीजन लिया है उसके ऊपर आपको डटे रहना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी, पहले दिन आपको जाना है, हो सकता है वो मना कर दे, कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन आप वहाँ से जब आप निकलो पहले दिन ही, अगर मान लो पहला दिन निकल गया, दूसरे दिन जब जाओ तो आप बोलो कि आपको जब निकलो वहाँ से फॉर्म जो उस प्रिंसिपल के ऑफिस से, तो आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है, अगर मान लो लेट से उसने मना कर दिया, पहले दिन मना कर दिया, दूसरे दिन जब आप जाओ तो ना ये माइंड में रखना है कि आपको जब तक आप निकल रहे हो ना उसके प्रिंसिपल के ऑफिस से, तब तक आपको ये चीज़ बोलते रहना है कि मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है। जब आप बाहर निकल रहे हो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, मतलब समझना बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि भाई इसको ट्रांसफ़र चाहिए, इसको तो ट्रांसफ़र देना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल को भी लगे यार तो जिद्दी बंदा है, ठीक है। दूसरे दिन ऐसा करो, ठीक है। तीसरे दिन अगर वो अभी भी नहीं दिया उसने ट्रांसफ़र, तो कंटिन्यूसली उसके पास इरीटेट कर दो उसको, ठीक है इरीटेट कर दो, कुछ दिन बाद आपको वो ट्रांसफ़र दे देगा। जितना मैंने लोगों को देखा है भाई, कोई भी इतना इरीटेशन नहीं सहन कर सकता, इरीटेट कर दो उसको, आपके पास राइट है, कुछ नहीं कर सकता यार आपके अगेंस्ट, कुछ भी नहीं कर सकता, सबसे पहले तो ये समझो कुछ भी नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट। इंस्टीट्यूट को थोड़ी कंप्लेंट, आप किससे डरते हो, इंस्टीट्यूट से डरते हो बस, ठीक है। इंस्टीट्यूट कोई मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया कुछ, भाई क्यों लेगा, इंस्टीट्यूट आपका राइट है, समझो इस चीज को, क्या कंप्लेंट करेगा वो आपके आगे, समझ रहे हो आप आगे, ठीक है। तो आपका राइट है, आप अपनी जो चीज है उसके ऊपर आप, और अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत हो सकती है तो आप एक मेल भी डाल दो, एक काम करो आप एक मेल भी डाल दो जो प्रिंसिपल है ना आपका, उसको जो पहले दिन ही जिस दिन आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस दिन मेल भी डाल दो कि भाई कि मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए, ताकि आपके पास एक मेल में भी प्रूफ रहे कि आप तो ट्रांसफ़र के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप मेल भी डाल सकते हो, तो इस तरीके से क्या करो, एक इरीटेट कर दो बंदे को ताकि वो आपको ट्रांसफ़र देने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। पहले आपने उसको इरीटेट करके या जैसे भी करके आपने उसको समझाया, उसको बताया, उसको मतलब उसको यह चीज़ें अपनी 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 भावना बताओ, अपनी अपनी मतलब अपना दिल खोल के रख दो उसके सामने कि सर ये दिक्कत है आ रही है, मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए, मेरे को अपना प्रोफेशनल ग्रोथ देखना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, भाई नहीं रुकना मेरे को तेरे पास, काम नहीं सिखा रहा तू, पानी चाय नहीं बनाना मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी, अगर मान लो वो नहीं मानता, ठीक है, आपको बच्चा समझता है, पागल समझ रहा है वो आपको, तो अच्छा फॉर्म जो होता है आपको मैं बताता हूँ, फॉर्म 109 फिल करना पड़ता है, तो वो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। तो 109 के अंदर आपको फिल करके उससे साइन करवाने पड़ते हैं और इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ता है, एज फार एज आई नो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अगर बात करूँ, आपसे नहीं माना वो, आपने पूरी कोशिश कर दी, पूरी जान लगा ली, अब वो मतलब कहीं होता है ना ढीठ, मतलब पूरी जान लगाने का मतलब ये है कि आप डरे नहीं, निडर रहे और सब कुछ आप मतलब इरिटेट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ट्रांसफर आपने समझा भी दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी वो नहीं माना, ठीक है, आपके फॉर्म पे साइन नहीं कर रहा। तो दूसरा तरीका ये है, दूसरा जो सीक्वेंस है वो ये है कि आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को लेकर जाना है गली मोहल्ले के 10-12 लौंडे उठा के ले जाना कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए, हमें ट्रांसफ़र चाहिए। ओ भाई वो ऐसे डर जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया, 10-15 दो अपने दोस्त पकड़ लेना, पेरेंट्स को ले जाना, 10-15 की बिगड़ी जमा हो जाएगी उसके ऑफिस में, वैसे ही आपको ट्रांसफ़र दे देगा, साइन कर देगा उसकी, वैसी समझ रहे हो ना आप, मतलब दिक्कत हो जाएगी उसके साथ, तो उसको पता लगेगा भैया 10-12 बंदे आ गए। सबसे पहले तो आप सबको समझना यार आपका राइट है, आप मांगने जा रहे हो, आप ये थोड़ी कि उसके घर मतलब ऐसे नहीं दिखाना आपको मार पीट के नहीं आना है, सबसे पहले तो ये समझना मार पीट के नहीं आना, जस्ट आपको लेकर जाना है ताकि उसको लगे कि हाँ यार उसके साथ में सपोर्टिव बंदे हैं, ठीक है, कल को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको साइन करा के आ जाना है अपना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इट्स अ जनरल थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका क्या हो गया, आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, इन्वॉल्व करना है, कुछ सपोर्टिव बंदे लेकर जाने हैं और उससे साइन करवाना है, ठीक है। पेरेंट्स जब जाएंगे और जब लोग जाएंगे, जब वहाँ पे दिखेगा ना उसको कि भाई इतने लोग आ गए हैं, तो वो वैसे ही आपको ट्रांसफ़र दे देगा, ठीक है। और मान लो अभी भी नहीं दे रहा, भाई ये तो ढीठ ही बंदा है, ठीक है, तो आपके पास तीसरा जो तरीका है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तीसरा जो तरीका है, बट स्टिल आप कोई चारा है नहीं, ठीक है, आप क्या करो, जाना ही छोड़ दो, बोल दो कि ठीक है भाई नहीं दे रहा ट्रांसफ़र, नहीं कर रहा साइन, कोई नहीं मैं जा ही नहीं रहा, आई नहीं रहा मैं, कर ले,
ठीक है, अब आप क्या करो, दूसरी फर्म ज्वाइन कर लो, जो भी फर्म है जहाँ पर भी जाना है। अगर वो फर्म नहीं दे रही है आपको, वहाँ पर नहीं दे रही है, तो आप अपने घर पर बैठो, कुछ भी करो, नहीं जाओ। ठीक है, हो सकता है आपकी छुट्टियां खराब हो जाए, 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, ठीक है, लेकिन वो आपके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट को कंप्लेंट नहीं कर सकता। ठीक है, समझना इस चीज़ को, इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट में। और आप क्या करो, अलॉन्ग विद दैट, जब आप जाना छोड़ दो, ठीक है, जाना छोड़ दो, तो आपको क्या करना है, एक इंस्टीट्यूट को चिट्ठी और डाल दो। ठीक है, चिट्ठी और डाल दो जब आप जाना छोड़ो कि सर ऐसे ऐसी चीज़ है, इस तरीके से ऐसे ऐसे हुआ है। अगेन, लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे मैं आप ये तीसरा जो स्टेप आपको बता रहा हूँ कि जाना छोड़ दो, इंस्टीट्यूट को चिट्ठी डाल दो, रिकमेंडेटरी नहीं है। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, क्योंकि इसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपके पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट आएगा, आपके माइंडसेट पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी मेंटेलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, बहुत सारे टाइम बर्बाद होगा आपका, तो ये रिकमेंडेशन रही नहीं रहेगी। बट स्टिल कोई तरीका ही नहीं, कोई चारा ही नहीं छोड़ा उस बंदे ने, तो आप कोई चीज़ इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में भी आप ये एक्शन ले सकते हो। ये तो मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बात कर ली, इंस्टीट्यूट को कंप्लेंट कर सकते हो तीसरे नंबर पे जब हमने बात करी। अब अगर मैं बात करूँ आप सेकंड ईयर के अंदर हो, थर्ड ईयर के अंदर हो, तो सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सोचो, अदरवाइज मेरे हिसाब से ट्रांसफर लेना वुड नॉट बी फ्रूटफुल। लेकिन अगर मान लो आप सेकंड ईयर के अंदर हो, थर्ड ईयर के अंदर हो, आपके पास जनरली क्या होता है, आपको ट्रांसफर लेना है, ठीक है, तो आपके पास कुछ रीजंस होने चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए, वैलिड ग्राउंड, ठीक है, ट्रांसफर लेने के लिए। तो या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इंस्टीट्यूट से सीधा परमिशन लो, उसका ट्रांसफर ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट की परमिशन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर प्रिंसिपल की परमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल के साइन चाहिए और आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर के अंदर आपके पास दो तरीके हैं, या तो कोई वैलिड रीज़न होने चाहिए, वैलिड रीजंस, डिफाइंड वैलिड रीजंस हैं, वैलिड रीजंस होने चाहिए, या फिर आपको, या फिर वैलिड रीजंस होने चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट से परमिशन ले लो, दोनों में से कोई भी चीज़ होनी चाहिए। वैलिड रीजंस के अंदर मान लो आप बोलते हो कि यार मेरे पास तो कोई वैलिड रीज़न ही नहीं है, ठीक है, वैलिड रीज़न ही नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो वैलिड रीज़न थोड़ा सा, अगर कोई आप बिल्कुल ही परेशान हो, देखो यार मैं आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर बिल्कुल ही परेशान हो, आपको लगता है कि यार ये तो इसने मेरे को जीना आराम कर दिया, मेरा बर्बाद कर दी ज़िंदगी, तो वैलिड रीजंस वो बनाने पड़ेंगे। अब मैं आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा तो समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर इस तरीके से कर सकते हो, आपके पास राइट नहीं है, बट यस आपके पास अगर वैलिड ग्राउंड्स हैं, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट से परमिशन ले लेते हो, तो इन बोथ ऑफ द केसेस आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। तो ये चीज़ है यार, ये सीनैरियो है, फर्स्ट ईयर के अंदर ही जनरली मैंने देखा है लोग ट्रांसफर के लिए सोचते हैं, देखते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा ही दिया, सेकंड और थर्ड ईयर का भी आपको मैंने बता ही दिए चीज़ें। तो ये चीज़ें थी यार, होपफुली आपको चीज़ों में इंटरेस्ट आया होगा, मज़ा आया होगा। और जस्ट थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ इसके अंदर, अगर आपको इंटरेस्ट है बड़ी फर्म के अंदर, बिग फोर, टॉप 10 CA फर्म्स में जाने का, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट में वर्क करने का, तो हमारे कोर्सेज हैं मास्टर ब्लास्टर ऑफ स्टैट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। मैंने काफ़ी मेहनत करके वो कोर्सेज बनाए हैं, आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, आप उसका कंटेंट देख सकते हो एटलीस्ट जाकर वेबसाइट के ऊपर, कि किस तरीके का कंटेंट कवर कराया हुआ है उसके अंदर, तो होपफुली वो आपके लिए वर्थ रहेगा, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा, अगर आपका कोई दोस्त दिक्कत में है तो उसके साथ भी वीडियो को शेयर करो, लाइक जरूर करना, कमेंट करके मेरे को बताना कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।